हेलो गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो गाइस, आज के सवाल में हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं रो फिरो वाइस टाउन। तो बेसिकली लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हमने एक बहुत बड़ी रेस की थी जो कि लाइट हाउस के पास हुई थी, और उस रेस से हमें मिले थे 125 जेम्स और हमारे पास अब टोटल हो चुके हैं 900 जेम्स। तो हमने उस रेस को पूरे किए थे और हम उस रेस में फर्स्ट आए थे। तो गाइस, आप लोगों को तो पता ही होगा कि हम लोग जिस घर में रहते हैं तो वो भाई ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, और उसमें ना ही कोई स्विमिंग पूल है ना ही पार्किंग है। मुझे अगर गाड़ी लानी होती है तो भाई उसे यहीं पर खड़ा करना पड़ता है, अंदर अंदर में उसे ले नहीं जा सकता। इसलिए आज हम लोग खरीदने वाले हैं एक बहुत बड़ा बंगला। क्या बात है सर, यानी कि एक बहुत बड़ा हाउस। और वो जो हाउस है वो तो तुम लोग लास्ट वाले वीडियो में देखा था। एक बार चलो मैं वापस एक बार फिर तुम्हें वो हाउस दिखा देता हूँ। तो देखो, यही है वो घर जिस घर की मैं बात कर रहा था। इस घर में बहुत सारे नौकर हैं जो कि तुम देख सकते हो कि इधर से उधर दौड़ रहे हैं, और इस घर में एक बहुत बड़ी पार्किंग है, और उसके साथ इस घर में एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, और ये जो तुम घर देख पा रहे हो ये भी भाई बहुत बड़ा है। इस घर के पीछे भी एक पार्किंग है जिससे हम अपनी गाड़ी बाहर निकाल सकते हैं, और ये घर भाई मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या सोच है रे तेरी? तो आज मैं यही घर खरीदने वाला हूँ। मुझे पता नहीं है कि इस घर का कॉस्ट कितना हो भाई, ये घर किसका है, इसलिए मैं जा रहा हूँ टिप्सन के पास। उससे जाऊँगा, मैं पूछूंगा कि ये घर किसका है, और जिसका भी होगा उसको भाई मैं पैसा दे के आज घर खरीद ही लूँगा, चाहे जो हो जाए। चलो पहले तो चलते हैं टिप्सन के पास और उससे पूछते हैं कि ये घर किसका है। A few inches later. तो ओके गाइस, मैं अभी तो टिप्सन के पास आ चुका हूँ, और अब मैं जा रहा हूँ उसे पूछने कि ये घर किसका है। एक बार चलो उसे पूछ के देखते हैं कि ये घर किसका है, शायद से उसे पता हो। तो भाई टिप्सन, मुझे एक घर खरीदना है जो कि लाइट हाउस के पास है, पता नहीं वो घर किसका है। क्या तुझे पता है कि वो घर किसका है? हाँ, मुझे पता है वो घर किसका है। मिलिट्री बेस पे एक माफिया रहता है जो कि उस घर का ओनर है। तुम चाहो तो जाके उससे बात कर सकते हो। तुम्हें बस उससे बात करने के लिए मिलिट्री बेस जाना होगा। अगर तुम्हें घर खरीदना है तो जाके खरीद लेना, और अगर तुम घर खरीदोगे तो मुझे मिठाई जरूर खिलाना। तो चाहो फटाफट तुम उससे जाके बात करो। ओके गाइस, मैंने तो अभी टिप्सन से बात कर ली है, और वो कह रहा है कि ये घर एक बहुत बड़े माफिया का है जो कि मिलिट्री बेस पर रहता है। अब हमारे शहर में दो मिलिट्री बेस है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। तो देखो, वो इस तरफ वाले मिलिट्री बेस पर रहता है, और टिप्सन ने कहा है तुम जाके उससे बात कर लो। तो मैं जा रहा हूँ उससे बात करने। चलो फटाफट से वहाँ पर चलते हैं और उससे पूछते हैं कि वो हमें वो घर कितने में देगा। अगर भाई वो सस्ते में दे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मुझे जाना फटाफट से वहाँ पे उस मिलिट्री बेस के पास, और उसी मिलिट्री बेस के पास हमें वो मिलने वाला। तो चलो फटाफट से चलते हैं उसके पास, पहुँचते हैं। तो ओके गाइज, मैं अभी उस माफिया के पास तो पहुँचने वाला हूँ जो कि हमें बताने वाला है कि भाई, अब यार मेरी गाड़ी से टकरा गई यार, अब मेरे पीछे पुलिस पड़ जाएगी। तो मैं कह रहा था मैं उस माफिया के पास पहुँच चुका हूँ जो कि हमें बताने वाला है कि वो घर कितने में देगा। पता नहीं वो देगा अभी कि नहीं देगा। चलो पहले चल के उससे बात करते हैं। मेरे पीछे भाई वन स्टार की पुलिस लगी, जल्दी भाई ये इससे पीछा छोड़े तो सही रहेगा। तो चलो पहले इससे चल के बात करते हैं। Few moments later. तो ओके गाइज, मैंने तो अभी उस माफिया से बात कर ली है, और उसने जो मुझे बताया है उसे सुन के तुम लोग भी भाई शॉक हो जाने वाले हो। मगर क्यों? तो पहले चलो यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद मैं घर पहुँचता हूँ, उसके बाद मैं तुम लोग को सारी चीज़ें बताता हूँ। तो गाइज, अभी मैं पुलिस से थोड़ा बहुत दूर तो आ गया हूँ, और भाई अब मैं तुम्हें चलो बता देता हूँ कि उस माफिया ने मुझसे क्या कहा है। तो वो मुझसे कह रहा कि वो घर हमें फ्री में दे देगा। चल झूठा। लेकिन उसकी एक शर्त है, वो ये है कि वो एक हेलीकॉप्टर चाहिए, और वो जो हेलीकॉप्टर है उसमें मिसाइल लगे होने चाहिए, और वो मिलिट्री का हेलीकॉप्टर होना चाहिए। और जो मिलिट्री का हेलीकॉप्टर है वो इस वाले मिलिट्री बेस में मिलने वाला है जो कि यहाँ से दूर तो है ही, साथ ही साथ वहाँ पे बहुत तगड़ी सिक्योरिटी है। जैसे मैं अंदर घुसने लगूंगा तुरंत ही मेरे को फायरिंग स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत डर लग रहा है। लेकिन मैंने उसे हाँ कह दिया है कि हम लोग उसके लिए हेलीकॉप्टर ले जाएंगे, तो अब मुझे हेलीकॉप्टर लाना ही पड़ेगा। तो चलो फटाफट से पहले नीचे चलते हैं और पहले उस मिलिट्री बेस पहुँचते हैं। तुम जो सामने मिलिट्री बेस देख पा रहे हो ना, वहीं पे भाई वो हेलीकॉप्टर है। यहाँ पे जहाँ पे ये पेड़ है उसी के बाद वो हेलीकॉप्टर रखा हुआ है, तो मुझे जाना वहीं जाके ले आना है। तो चलो फटाफट से वहाँ पे चलते हैं और पहुँचते हैं। तो ओके गाइस, मैं तो अभी मिलिट्री बेस के पीछे आ चुका हूँ, और मैं पीछे से ही इसके अंदर एंटर करने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं आगे से जाऊँगा तो बहुत सारे सोल्जर्स मुझे देख लेंगे और मैं वहीं पे मर जाऊँगा। और ये देखो, पीछे से ये भाई मेरे ऊपर 5 स्टार की पुलिस लग गई है, और जितने भी भाई सोल्जर्स हैं सब मेरे पीछे आ रहे हैं। तो गाइस, हमारे पास एक एबिलिटी है जिससे हम लोग रोप फेंक सकते हैं, और उसी एबिलिटी का यूज करके मैं हेलीकॉप्टर को इधर लाने वाला हूँ। तो मैं ऐसे खींच खींच के इसको ऐसे लाता रहूँगा, और ऐसे ही इसको आगे करता रहूँगा। अबे भाई, तो यार मैं कहाँ गया? अबे मैं बचूंगा नहीं, पहले इसमें चलते हैं, बैठते हैं और फटते हैं। ये देखो भाई, इन्होंने फायरिंग स्टार्ट भी कर दी। तो गाइस, अभी मैं तो इसमें आ चुका हूँ, इन्होंने भाई बॉम्ब फेंकना स्टार्ट कर दिया है।
मुझे उस माफिया को इस हेलीकॉप्टर को एकदम सही कंडीशन में देना है। और भाई उसने जो कहा है कि उसमें मिसाइल होना चाहिए, वो मिसाइल भी इसमें है। एक बार मैं चलो तुम्हें उसे फायर करके दिखा देता हूँ, देखना। वो देखो भाई जो डिस्ट्रक्शन होता है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे देखो मेरे पीछे इतने सारे सोल्जर्स लग चुके हैं, और वो जो 3 स्टार की पुलिस है वो 1 स्टार में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि मैं भाई हवा में हूँ और कोई भी पुलिस मुझे हवा में नहीं पकड़ सकती है। इस हेलीकॉप्टर से धुआं निकल रहा है, लेकिन चलो वो इसे एक्सेप्ट कर लेगा। चलो फटाफट से वापस वहीं पर चलते हैं और इस हेलीकॉप्टर को उसे दे आते हैं। मुझे हेलीकॉप्टर से वहाँ पे जाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि वो देखो वो सामने ही खड़ा है, और मुझे को यहीं पे लाके उसके हेलीकॉप्टर को यहाँ पे लैंड करा देना। मुझे भाई ध्यान देना कि जितने भी सोल्जर है वो मुझे देखे ना, नहीं तो ये तो वापस मेरे मुझे पुलिस लग जाएगी। देखो मैं यहाँ से तो उतर चुका हूँ, ये देखो भाई पुलिस जा रही है। अच्छा रुक गए, नहीं तो भाई ये उस पर ठोक देती। चलो फटाफट से वापस से हमारे माफिया भाई से बात करते हैं। ओके गाइस, तो मैंने अभी इससे तो बात कर ली, और इसने कहा है कि थैंक यू हम हेलीकॉप्टर लाने के लिए, और उस हेलीकॉप्टर के बदले इसने हमें अपना बड़ा सा घर दे दिया, और वो घर अब हमारा हो चुका है। तो चलो फटाफट से हम वहाँ पे चलते हैं। अब मैं वहीं पर रहने वाला हूँ, टिप्सन से भाई मैं थोड़ा बहुत दूर हो जाऊँगा, लेकिन उससे भाई मैं मिलने आऊँगा। टिप्सन ने कहा था कि भाई थोड़ी मिठाई विठाई खिला देना, लेकिन अभी वो मिठाई है नहीं, तो मैं बाद में उसे मिठाई विठाई खिला दूँगा। तो चलो फटाफट से अपने घर में चलते हैं, मैं चला जाऊँ वहीं सही है। यहाँ पे भाई लाइट हाउस है, तो यहाँ से वहाँ पे जाने की में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। मैं उसी जगह पे वापस से आ चुका हूँ जहाँ पे हमारा न्यू घर है, और ये देखो यही वो घर है जो कि अब हमारा हो चुका है। यहाँ पे जितने भी चीज़ें जितने भी गाड़ियाँ वो सब हमारे हो चुकी हैं, जितने भी ये बंदे हैं ये भी हमारे हो चुके हैं, और ये सब मेरे नीचे काम करेंगे। मतलब कोई गार्डनर होगा, कोई कुक होगा, तो कोई नौकर होगा, और ऐसे हमारे घर में बहुत सारे लोग हो जाएंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और एक गार्ड भी रहेगा जो कि हमारे सेफ्टी के लिए बाहर खड़ा रहेगा। तुम ये जो स्विमिंग पूल देख पा रहे हो वो भी अब हमारा हो चुका है। तो चलो भाई, ये हमने फाइनली एक न्यू घर ले लिया है जो कि इतना बड़ा है भाई साहब। तो चलो गाइस, आज के इस वाली वीडियो में इतना ही। बाकी आपको ये वीडियो अच्छा लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। आज की इस वाली वीडियो का जो लाइक है वो सिर्फ 20 लाइक का, तो जाओ फटाफट से लाइक कंप्लीट करो, और मुझे कमेंट करो कि मुझे अगले वाली वीडियो में और क्या क्या चीज़ें खरीदनी चाहिए। क्या मैं न्यू स्कूल खरीदूँ, या फिर न्यू कॉलेज खरीदूँ, या फिर न्यू लाइट हाउस खरीदो। तुम जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जाके मुझे कमेंट कर दो, फटाफट से करवा दो 1K सब्सक्राइबर्स, क्योंकि 1K पे आने वाला है हमारा एक बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। बड़ी अच्छी बात कही है। तो जाके 1K सब्सक्राइबर करा दो, लाइक कंप्लीट कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिख गुड बाय।